बाइक बाइक बनना शुरू हो चुकी है स्नोफॉल से। कुछ भी बोले यार, मजा भरा आ रही है। दिस इज द मोमेंट ऑफ लाइफ। ऑल राइट डेव्यूअर सचनो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी वक्त हो रहा है सुबह के 10:40 सॉरी, एंड अभी जस्ट हमारा ब्रेकफास्ट अराइव हुआ। अभी ये भाई तो चालू भी हो गए और क्या, व्लॉग ही करता रहेगा सारी जिंदगी। इस पूरे हाउस बोट की मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है वो ये सिटिंग एरिया, बहुत अच्छा। और ये बंदा, नहीं वो नहीं, ये बंदा। तो ऐसा कुछ व्यू है बाहर का। एंड वेदर ऐप के हिसाब से आज पूरे दिन सूरज नहीं निकलने वाला है, एंड अगले दो दिन बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने वाली है। अब दिक्कत गुलमर्ग की नहीं, हमें हम गुलमर्ग तो एकदम आराम से पहुँचाएंगे, कैंप वगैरह कर लेंगे। दिक्कत उसके बाद की है, बिकॉज उसके बाद हमें जाना है केदार, और केदार थोड़ा रिमोट एरिया है। अब देखो गवर्नमेंट वहीं से बर्फ हटाती है जहाँ पे टूरिस्ट लोग ज़्यादा होते हैं, और केदार में टूरिज्म बहुत ज़्यादा कम है। तो हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद से वहाँ पे बर्फ ना हटे, बट कोई नहीं, देखेंगे जितना हो सकेगा खुद को पुश करेंगे। हो गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, फिर हम जाएंगे वहाँ से सोनमार्ग। तो फिलहाल सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, एंड देन फिर यहाँ से निकलते हैं। अभी हमें निकलते निकलते एक बज गया है, अभी हम लोग को गुलमार्ग के लिए निकलने में 2 बज जाएगा, क्योंकि अभी तो 1 बज चुके हैं। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं KTM सर्विस सेंटर इसके ब्रेक पैड चेंज करने, और ये रेस मिस कर दी मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको सीधा मुद्दे पे ले आता हूँ। तो यहाँ से हम गए KTM सर्विस सेंटर ब्रेक पैड चेंज करवाने, बट वहाँ हमें पता चला कि बाइक में और भी प्रॉब्लम है। बाइक में थोड़ी दिक्कत हो गई है, जो फ्रंट फोक है उसमें से ऑयल लीक हो रहा है, उसकी ऑयल सील खराब हो गई है। तो अभी ऑयल सील चेंज हो रही है, एंड चेंज करने में लगभग 45 मिनट्स लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करते करते शाम के 4 बज गए थे, इसलिए हमने डिसाइड किया आज स्टे करके कल गुलमर्ग के लिए निकलने का। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग। अभी वक्त हो चुका है सुबह के 10, और हाँ सर, अभी प्लान में एक बार फिर चेंज आ चुका है। पहले मैंने कहा था कि हम लोग केदन जा रहे हैं, बट अभी हम लोग नहीं जा रहे, उसकी वजह आप खुद सुन लीजिए। नहीं वही तो बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ अभी मत जाओ, स्नो बाउंडेड एरिया है, बंद भी हो सकते हो वहाँ पे, तो वो मुश्किल हो जाएगा। और आज वहाँ मतलब होटल्स वगैरह जो टेंट वगैरह लगाए थे वो भी नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है। ओके, हाँ, तो नया नया शुरू हुआ है टूरिज्म इसी साल ना, 22 में शुरू हुआ है, तो इस वक्त केदार जाना बहुत ज्यादा डेंजरस है। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा था कि बर्फ सिर्फ उन्हीं रोडों से हटाई जाती है जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, एंड केदार में टूरिज्म बहुत ज्यादा कम है। पिछले साल तो उधर टूरिज्म खुला है, तो इसीलिए वहाँ के सड़कों पे अभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो बेकार में हम वहाँ पे फंस जाएंगे, और पूरा रिमोट एरिया है, कोई मदद के लिए भी नहीं होगा। अभी यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, यानी कि अभी जो माउंटेन्स एरिया है वहाँ पे स्नोफॉल हो रही होगी। एंड हम लोग ने आज निकलने से पहले चेक भी किया था वेदर ऐप में, आज क्या पूरे दिन ही और कल भी स्नोफॉल है, वो भी 70%। तो भाई आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमें। अक्षय और मेरी एक ख्वाहिश थी कि हम लोग स्पीति भी जाके आ गए, मगर हमारी बाइक स्नो से कवर नहीं हुई। हम चाहते हमारी बाइक पूरी स्नो से कवर होके वाइट हो जाए, हमारा हेलमेट कवर हो जाए स्नो से, ऐसा हमें चाहिए। इतनी मोटी स्नोफॉल मिली थी अपने को। तो यहाँ पास का व्यू कुछ ऐसा है, स्नोफॉल अभी और तेज हो चुकी है, और मोटी मोटी स्नो गिर रही है अभी। हमें लेट हो रहा है, लेकिन इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। चलो भाई चलते हैं यहाँ से। व्यू सच में बहुत अल्टीमेट है, बट लोकेशन पे भी पहुँचना है। चलियो भाई, इसीलिए यार मुझे कश्मीर सबसे ज़्यादा पसंद है। स्नोफॉल अभी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, एंड दिक्कत स्नोफॉल की नहीं, दिक्कत ये कि हमारे हेलमेट में कुछ दिख नहीं रहा है, हमें वाइजर में पूरा फॉग जम गया है, एंड वाइजर ऊपर करके हम गाड़ी भी नहीं चला सकते बिकॉज आंखों के अंदर स्नो जा रही है। तो दोनों तरफ से हम फंस गए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया भाई गुलमर्ग जाना, ऐसा लग रहा है गलती कर दी हम लोग ने गुलमर्ग का डिसीजन लेके, रास्ता अब समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर श्रीनगर से हम जाते थे तो एकदम सीधा सीधा रास्ता था, थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट अभी रास्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है।
स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा तेज हो गई अब। सर जी गुलमर्ग के लिए रास्ता कहाँ है? हाँ अच्छा, कहीं पे टर्न है कहीं पे कि पूरा सीधा है? अच्छा 2 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा शुक्रिया। कुछ भी बोले यार, मजा बड़ा आ दिए। इन्हीं चीजों की तो मैं ड्रीम किया करता था। वो बात है लगे कि थोड़ी वाट लग गई है, लेकिन चलेगा। स्नो पे बाइक चलाने में दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है जब ये स्नो हाउस में बदल जाती है, वहां दिक्कत होती है असली बाइक चलाने में। बाइक देखो भाई। जो विंडशील्ड है उसमें पूरा आइस की परत जम गई है। चेन है मुश्किल में ही मजा है। तो हेलो भाई, यहाँ पर जो मेरे साथ जो भी दो भाई मिले जो भी गुलमर्ग के लिए जा रहे थे, मगर कश्मीर से यहाँ पे बर्फ पड़ गया, उनकी हालत खराब हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ कितना पड़ा हुआ, और ये जो भाई है उनके हाथ भी जो है पूरे हाथ पिघल चुके हैं उनके। अभी बोल रहा है कि खाली हम गुलमर्ग जाएंगे, मगर नहीं जा पाएंगे। गुलमर्ग कितना मना करने के बाद फिर भी बोल रहे हैं गुलमर्ग जाएंगे हम। तो अभी देखते हैं भाई दोनों भाइयों का, अभी मिलते हैं आगे। आज रात आप टंगमर्ग में रहना, निकलना आप सुबह आधा घंटा लगेगा आपको गुलमर्ग तक। 10-15 दिन पहले आए होते ना, चलाई कलान चल रहा था यहाँ पे माइनस में। अच्छा 10-15 दिन पहले, अभी वो चलाई कलान खत्म हो गया। जानते क्या होता है? नहीं कभी सुना। माइनस रहता है, प्लस कभी नहीं जाता है, और इतनी जल्दी जम जाता है। जो भी बर्फ पड़ता है वो जम जाता है वहीं पे। अच्छा वो लगता है, क्या बोलते हैं उसको, 4 दिन के बाद लग जाती है बर्फ, ब्लैक आइस। हाँ फ्रीज होता है वो, देन मतलब फिर आप मूव नहीं कर सकते। अरे बाप रे, आइस बर्फ तो देखो यार। चलिए भाई शादी ले, माफ करना। यार ये तो ठंडे है यार। चलिए भाई आराम से जाना। हाँ जरूर। पूरा सीधा रास्ता ना, एंड तक पूरा सीधा है, सीधा जाना इसी रास्ते पे। अच्छा जो रास्ता आएगा ना इधर उधर उधर नहीं जाना। अच्छा। सीधा इसी रास्ते पे जाना, ठीक है। जहाँ पे खत्म हो जाएगा मेन हाईवे आएगा। हाँ। समझना आप टंगमर्ग पहुंच गए। हां बस ऊपर से जंगल वही ठहरना रात, पर वहीं पे स्टे करना, खाना वाना वहीं पे। चलो चलो आराम से। शुक्रिया भाई। तो देखा भाई, ये है कश्मीर के लोग, काफ़ी ज़्यादा फनी एंड चीयरफुल है। तो लोगों की बातों में मत आओ, कश्मीर आओ, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। आज मुझे लग रहा है कि मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। स्नोफॉल भी पहले से तेज़ हो गई है, एंड पूरे हेलमेट पे मेरे अभी स्नो जम गई थी धीरे करके। ओ भाई साहब, क्या व्यू है आसपास का, माशाल्लाह। गाड़ी सब थी मेरी,
दिखा दे क्या आकाश। गाड़ी तो निकल गई मेरी, तो देखता हूँ क्या होगा इसको। आगे नहीं आ रहा है वो। स्लिप हो रही लग रहा है उसकी गाड़ी। रुक जा रुक जा। क्या हुआ? स्नोशेल लगा ले। हाँ चल चलते थे। चलते थे पकड़ो मैं चलते थे। सो भैया दिस इज द पल वी आर वेटिंग फॉर कि हम लोग कब ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहां पे स्नो चेन लगानी पड़ेगी हमें। ये देखो रोड की हालत और अब स्नो चेन लग रही है। भावेश भैया लगा रहे हैं। मेरा कैमरा थोड़ा सा साफ नहीं है क्योंकि हमारे हाथ भी गीले हैं और साफ करूँगा तो फिर वो और ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, तो अभी इसी से काम चला लो। आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी स्नो चेन लगा रहे हैं और सीन्स कुछ ऐसे। भैया नहीं रे ये क्या है, ये क्या दिखा रहा हूँ मैं। भाई सच्ची गजब। ये इससे लगाते तूने ना मडगार्ड उतरवाना था। नहीं नहीं बिना मडगार्ड के लग जाती आराम से। नहीं वो लग तो जाती है। चैन बन चुकी है अपनी बाइक पे। अरे भाई ये देखो अंदर तक गोप्रो के। सही भाई सही बहुत सही सही सेट। या इसके आगे लगा दे। ये देखो बर्फ मतलब स्नो चेन के वो ऐसे काटती हुई जा रही है। देख कैसे काटती हुई जा रही है। स्नो चेन पे भाई अभी बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। देखो कान नहीं चढ़ पा रही है इतनी ज़्यादा बर्फ हो गई है यहाँ पे। बट हम लोग एकदम आराम से निकल जा रहे हैं। यहाँ के देखो अभी ब्लैक आइस जमना शुरू हो चुकी है। पहले ये स्नो एकदम सॉफ्ट होती है फिर इस पर गाड़ी चल चल के एकदम सख्त बन जाती है। देखो यहाँ पे लोग फिर गाड़ी को धक्का मार रहे हैं। पीछे भी एक बार ये गाड़ी अटक गई थी और यहाँ भी एक बार फिर और यहाँ भी एक बार फंस गई। आराम से आराम से। ओ तेरी गिर गया। ठीक है क्या हुआ? स्लिप कैसे? तू मुड़ा क्यों इधर सीधा क्यों नहीं गया? रुक जा हाथ भी सुन हो चुके हैं ना अब जान भी नहीं लगेगी। आओ भाई चल 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 ले जा। हाँ तू मुड़ा क्यों? मुड़ा नहीं। हाँ चेंज हो गया। अच्छा 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 चल कोई ना। आई डोंट नो कि फॉल रिकॉर्ड हुआ या नहीं बट मैं यहाँ पे गिर गया था। अब मुझे जाके चेक करना पड़ेगा कि रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। हाँ ठीक है सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अंकल ने मैं कहा था कि अभी 3 किलोमीटर रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो दिख ही रहा मुझे अब बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। तो वैसे इसको साइड तो दे दूँगा मैं बट डर है कि मैं गिर ना जाऊँ कभी। हाँ
पता है आपको मुझे एक चीज़ का शौक कैसे चढ़ा? मैंने ड्रीम चीज़र की एक वीडियो देखी थी कश्मीर की, इनफैक्ट पहलगाम की। उसमें ऐसे ही था, दो लोग थे, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी, पूरे हाथ उनके कवर हो गए थे, हेलमेट कवर हो गया था, बाइक पूरी स्नो से कवर हो गई थी। तो मैंने जिस दिन उस वीडियो को देखा था ना, मैंने सोच रहा था भाई ये एक्सपीरियंस करना है एक बार ज़िंदगी में, और आज हो गया। गोप्रो की बैटरी बाबा बंद हो गई, इसलिए मैं बाबा थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूँ। बाइक खड़ी कर देंगे यहाँ पे, हम लोग टेंट लगा लेंगे अपना। उनके 6:30 बज चुकी है और अभी तक हम लोग ना तनमार्ग पहुँचे ना गुलमार्ग, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो चलानी इतनी मुश्किल हो रही थी। तो हमने सोचा था कि कैंपिंग करेंगे, फिलहाल हम लोगों ने अपनी बाइक यहाँ पार्क कर दी है। रोड पार्क हो रही है, बर्फ़ देखो एक बार, ये देखो बर्फ़ कहाँ से आ रही है इतनी, मतलब ऐसे होगी 1 फुट ये कम से कम बर्फ़ होगी। और आगे लोगों ने बताया कि अभी मत जाओ, आगे इससे ज़्यादा ही बर्फ़ मिलेगी आपको, तो अभी आप लोग कहीं पर होल्ड मार लो। तो फिर हमने सोचा कि चलो क्यों ना यहाँ पर अब रुका जाए, बस यहाँ पे रुक रहे हैं। और टेंट के लिए हम लोगों ने ये जगह डिसाइड करी है, फिलहाल ड्यूब फंस गई है। चलो तो ठीक है भैया, इसकी ड्यूब खींचता हूँ मैं। सो भैया टेंट हमारा लग चुका है, ये देख लो, ये बर्फ देख लो कितनी बर्फ, इस ठंडी में हम लोग कैंपिंग करेंगे। हाँ तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि जो हमारा टेंट का प्लान था वो हमने कैंसिल कर दिया, बिकॉज यहाँ पे कुछ दिक्कतें हो जाती है, तो इसीलिए हम फिलहाल एक घर में आए हैं। और ये भाई ने मेरी हमारी मदद की है। हेलो बोलो। हेलो। ये भाई हमें पहले भी मिले थे, मतलब इसको मिले थे, इन्होंने पहले भी कहा था कि काम करो आप हमारे घर में रह जाओ, लेकिन मैं आगे निकल गया था और इसको कहा था उसने, और फिर ये पीछे से आके मुझे बताया। इसको मेरी पहचान नहीं है क्या कोई? इससे फिर मुझे बाद में बताया। अब कोई नहीं, किस्मत हमारी ऐसी थी कि लिखा था कि इस घर में आना है और इसी घर में हम लोग आए। और फिलहाल अब हमें अभी खाना वगैरह दिया है, हमें हमारी बहुत देखभाल कर रही है, तो चलिए पहले अभी खाना वगैरह खा लेते हैं।